तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज बताने वाला हूं मैं आपको बहुत ही कमाल की एक नया फीचर बताने वाला हूं, जो कि आपको एवरी सैमसंग गैलेक्सी में मिलने वाला है। बहुत शानदार है। अगर आपके मोबाइल में गुडलक है तो आपको पता होगा गुडलक है बहुत ही शानदार कस्टमाइज कर दी है। तो उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है साउंड असिस्टेंट, जिसके अंदर नया अपडेट आया है और कमाल का नया फीचर एड ऑन किया गया है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही किया होगा। तो आगे बताने वाला हूं उस अपडेट में क्या नया चेंजेस किया गया और कैसे अपन उस नए फीचर को एड ऑन कर पाएंगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूं गुडलक की ऐप की नए अपडेट के बारे में, साउंड असिस्टेंट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है यहां पर अपने गैलेक्सी स्टोर में, या फिर आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं गुडलक वाली ऐप के अंदर। तो मैं आ गया हूं गैलेक्सी स्टोर में, यहां जाना है मेन्यू में, एंड यहां जाना है आपको अपडेट्स वाले सेक्शन पे। यहां देखेंगे आपको साउंड असिस्टेंट में एक नया अपडेट यहां पर मिल रहा होगा, जो कि बहुत ही शानदार अपडेट है। आप यहां पर आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है। इस अपडेट को रोल आउट किया गया 18 अक्टूबर को, जिसका वर्जन नंबर है 5.1.00.6, जिसका साइज है 14 MB का। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या नया चेंजेस दिया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या नया चेंजेस दिया गया है। इसके अंदर फिक्स वॉल्यूम, UI सपोर्ट, 1UI 5, चूज इफेक्ट, टेक्चर साइज एंड कंट्रोल टाइप्स के यहाँ पर इफेक्ट दे दिए गए हैं। ड्यूल ऐप वॉल्यूम व्यू दे दिया गया है, सपोर्ट फ्रॉम 1UI। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द ऐप इज नॉट 100% अपेयर नेक्स्ट टू मेन वॉल्यूम, ऐप वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम, आपको दोनों अलग करने के वॉल्यूम यहाँ पर कस्टमाइज दे दिया गया है, और वॉइस इफेक्ट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या है, इसको कर लेते हैं पहले तो अपडेट। अपडेट करने के बाद देखते हैं कि क्या चीज है इसके अंदर और कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं। फाइनली ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऐसा ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले कस्टमाइज वॉल्यूम पैनल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टम में आपको ये दिए गए हैं और एक्सपेंड दिया गया है, तो इसमें कुछ नया चेंजेस नहीं है, तो पहले भी ऐसा ही था और वैसा का वैसा यहाँ पर आपको दे दिया गया है। बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पर मिलेगा मैक योर ऑन व्यूज एंड कलर्स। तो ये है नया चीज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेक्स वॉल्यूम UI दे दिया गया है, जो बहुत ही शानदार है। आपको इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इतने सारे इफेक्ट्स दिए हैं, आपको कोई सा भी इफेक्ट चूज कर लेना है। देखना है, जैसे मैंने यूज कर लिया है, और अगर अब मैं वॉल्यूम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं आपको वॉल्यूम का इफेक्ट्स ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है यार। इसमें कितना शनन लग रहा है। इसमें और भी बहुत सारे आपको थीम्स के ये दिए गए हैं, जोन सा भी कलर आपको अच्छा लग रहा है आपको वो कलर को चूज आउट कर लेना है और वो वहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो एड ऑन हो जाएगा, जैसे मैंने ये एड ऑन कर लिया है। इसके नीचे आएंगे इफेक्ट्स में, आप ये इफेक्ट्स अलग अलग डाल सकते हैं, टेक्चर्स कौन से चाहिए वो डाल सकते हैं, कलर टाइप, कंट्रोल टाइप आप चूज कर सकते हैं कि कंट्रोल वाइड आपको अगर ऐसे में चाहिए राउंड में तो वो राउंड में हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये राउंड में हो चुका है। अगर ऐसे में चाहिए तो ऐसे में भी आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आप उसका शेप चूज कर सकते हैं कि शेप कैसा होना चाहिए। जैसे मान लो ये करूंगा तो इसके शेप्स इतने सारे मिल जाएंगे, राउंड पे करेंगे तो इसके शेप दो ही हैं। अगर यहाँ पर जाएंगे तो इसमें इतने सारे शेप्स मिल जाएंगे। जो सा भी आपको शेप्स मिल लेना है, आपको शेप्स को चूज कर लेना है और वो इफेक्ट हो जाएगा। और नॉर्मल आपको चाहिए तो वापस थीम में जाके एड ऑन कर सकते हैं। तो मेन चीज यही है कि इसमें ये बहुत शानदार इफेक्ट्स दिए गए हैं, जैसा कि उसमें लिखा था। अगर मैं आपको लेके जाऊं यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे, वहां पर साफ साफ लिखा था चूज इफेक्ट्स, टेक्चर साइज एंड टाइप। तो ये सब चीजें वहां पर एड ऑन कर दी गई हैं। उसके नीचे जो ड्यूअल ऐप वॉल्यूम व्यू भी को ऑप्शन दे दिया गया है। कैसे, मान लो अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा और ये 100% है और ये दूसरा वॉल्यूम 100% नहीं है, तो वो आपको अलग अलग करके हाईलाइट करके बता रहा है। जैसे कि मैंने इसको कम कर दिया, इसको ज्यादा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेन वॉल्यूम तब भी 100 रहेगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा। व्हेन द वॉल्यूम इज 100% अपीयर नेक्स्ट द व्हेन वॉल्यूम एंड मीडिया वॉल्यूम, सब चीज़ यहाँ पर दी गई है। मेन चीज़ यहाँ पर ये है भाई, यहाँ पर इफेक्ट्स दिए गए हैं जो कि बहुत शानदार लग रहे हैं यार। भाई मेरे को तो बहुत ही शानदार लगा ये वाला जो फीचर है ना यार, बहुत शानदार, कितना शानदार लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है ये। आप उसमें कलर एड ऑन करके इसका यूज कर सकते हैं। तो यही अपडेट था साउंड असिस्टेंट की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो कर लो, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। इसका लिंक आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।